रेडियंडेंसी डैश दर्शाती है। देखिए डाटा रेडियंडेंसी किसको दर्शाता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को। डाटाबेस में TCL का पूर्ण रूप डैश होता है। तो देखिए डाटाबेस में TCL का पूरा नाम क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DBMS भाषा का वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेडेड किया जा सकता है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि जिसको कहते हैं DML। देखिए DROP या SQL में एक डैश है। DDL जिसको DDL कहते हैं वो DROP या SQL में क्या होता है, एक होता है, तो DDL। देखिए ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो उसका प्रोटोकॉल का नाम है POP3। देखिए EDP क्या है, EDP जो है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ENIAC का पूरा रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर। फोर्ट्रॉन, अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, बेसिक को। उसके बाद है EFTP का मतलब क्या होता है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। GB का पूरा नाम क्या होता है, पूछेगा आप लोग को GB जो होता है उसका पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं GB। GUI किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है, तो देखिए GUI किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है, तो विंडोज के साथ। आपको पूछ देगा HTML का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग जरूर टिक मारिएगा, इसको याद कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का उपयोग करती है वेब पेज पर, आपको पूछा जाएगा HTTP का किस जगह प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं किसका, तो वेब पेज का। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आई उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, IBM क्या है, IBM एक कंपनी है, आपको उसके बाद पूछा जाएगा क्या IBM 700 डैश का कंप्यूटर है, द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर है। IMAC एक प्रकार का क्या है, मशीन है। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं, चार। देखिए क्लासेस IP एड्रेस का जो भाग होता है कितना होता है, चार होता है। ISP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और LCD का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है।